हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज मैं मैथ इस टॉपिक के सब टॉपिक बेसिक थ्योरीज इसके ऊपर सबसे पहले क्विज लाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ डिजिट नंबर्स और न्यूमेरिकल्स वी यूज नाउ। डिजिट्स, नंबर्स और न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरल्स जो हम यूज़ करते हैं उनका ओरिजिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन रोमन, ऑप्शन नंबर टू ग्रीक, ऑप्शन नंबर थ्री पर्शियन, ऑप्शन नंबर फोर अरेबिक, हिंदू अरेबिक। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, हिंदू अरेबिक। द ओरिजिन्स ऑफ डिजिट्स नंबर्स और न्यूमरल्स वी यूज नाउ आर फ्रॉम हिंदू अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मेनी मिलियंस मेक 1 बिलियन। कितने मिलियंस को मिला के हम 1 बिलियन बनाते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन 10 मिलियंस, टू 100 मिलियंस, ऑप्शन नंबर थ्री 1000 मिलियंस, एंड ऑप्शन नंबर फोर 10,000 मिलियंस। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री 1000 मिलियंस। व्हेन 10,000 मिलियंस टेक देन इट मेक 1 बिलियन। 1000 मिलियंस मेक 1 बिलियन। 1000 मिलियंस को मिला के 1 बिलियन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द टर्म फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एज ए होल इंक्लूडिंग जीरो। नीचे देखिए, हमें से किस टर्म को फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज होल इंक्लूडिंग जीरो, इन सभी को मिलाकर हम उन्हें कहते हैं। रियल नंबर्स ऑप्शन नंबर वन, सेकंड नेचुरल नंबर्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड फोर्थ इंटेजर्स। फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एज ए होल इंक्लूडिंग जीरो, उसे हम किस टर्म से बुलाते हैं? उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास 10 सेकंड से इसका आंसर देने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर इंटेजर्स। द टर्म इंटेजर्स फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर एज ए होल इंक्लूडिंग जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज ए मैथमेटिकल टर्म इन विच द सम ऑफ टू और मोर नंबर्स वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस एक्सेट्रा कॉल्ड। नीचे देखिए, हम इसे किस मैथमेटिकल टर्म को सम ऑफ टू और मोर नंबर्स वेक्टर्स मैट्रिसेस एक्सेट्रा कॉल्ड कहते हैं? इसका ऑप्शन है एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, थर्ड डिवीजन, ऑप्शन नंबर फोर मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, एडिशन इज ए मैथमेटिकल टर्म इन विच द सम ऑफ टू और मोर नंबर्स वेक्टर्स मैट्रिसेस एक्सेट्रा कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल्स इक्विवेलेंट टू सम सब्जेक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स इज नोन एज। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल्स जहाँ पे इक्विवेलेंट टू सम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स इज नोन एज। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वन सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर टू इक्वेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड वेरिएशन, ऑप्शन नंबर फोर फ्रैक्शन। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू इक्वेशन। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल्स इक्विवेलेंट टू सम सब्जेक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स इज नोन एज इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ब्रांच ऑफ मैथ सॉल्व्स प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्लेन एंड स्पेरिकल ट्राइंगल्स। नीचे दिए गए में से मैथ की कौन सी ब्रांच सॉल्व करती है सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिंग टू प्लेन एंड स्पेरिकल ट्राइंगल्स। तो इसका ऑप्शन है अलजेब्रा, सेकंड कैलकुलस,
ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ जियोमेट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ सॉल्व्स प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्लेन एंड स्फेरिकल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, इन अरिथमेटिक व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर यूज्ड टू काउंट ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरिथमेटिक में व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर यूज्ड टू काउंट ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए कौन से नंबर्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर वन नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन नंबर टू रियल नंबर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ होल नंबर्स। तो इसका सही आंसर है, आपके पास 10 सेकंड से पहले, उसके बाद आप मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन नेचुरल नंबर्स। इन अरिथमेटिक नेचुरल नंबर्स आर द काइंड ऑफ नंबर्स हु आर यूज्ड टू काउंट ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द टर्म फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इट्सेल्फ। नीचे दिए में से कौन सी टर्म यूज की जाते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो एक से बड़ा है दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इट्सेल्फ, जो डिविजिबल होता है सिर्फ खुद से। उसके ऑप्शन है प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर एंड फोर्थ ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन इज नेचुरल नंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए इस आपके पास 10 सेकंड्स है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज द टर्म फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इट्सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, विच डिजिट इज ए फैक्टर ऑफ एनी ऑफ दिस नंबर्स। नीचे दिए गए में से कौन सा डिजिट ये फैक्टर होता है, नीचे दिए गए में से किसी भी नंबर का ये कन्फर्म होता है फैक्टर किसी भी नंबर का। ऑप्शन नंबर वन वन, ऑप्शन नंबर टू टू, ऑप्शन नंबर थ्री फोर एंड ऑप्शन नंबर फोर नाइन्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, विच अमंग दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नीचे देखो में से कौन सा सिर्फ इकलौता प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर वन टू, ऑप्शन नंबर टू फोर, ऑप्शन नंबर थ्री सिक्स, ऑप्शन नंबर फोर एट। तो इसके लिए आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन टू, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच पॉलीगॉन कंटेन्स मोर स्ट्रेट लाइंस और साइड्स अमॉन्ग दीज। नीचे दिए गए में से कौन सा पॉलीगॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन और साइड्स कंटेन करता है। उसके ऑप्शन नंबर वन हेक्सागॉन, ऑप्शन नंबर टू हेप्टागॉन, ऑप्शन नंबर थ्री ऑक्टागॉन, ऑप्शन नंबर फोर नोनागॉन। तो नीचे दिए गए में से कौन सा पॉलीगॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस कंटेन करता है और साइड्स कंटेन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर नोनागॉन। नोनागॉन इज द पॉलीगॉन विच कंटेन्स मोर स्ट्रेट लाइंस और साइड्स अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस। इन सभी में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस और साइड्स है नोनागॉन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज नॉट यूज्ड इन रोमन न्यूमरल्स। नीचे दिए में से कौन सा अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता रोमन न्यूमरल्स में। ऑप्शन नंबर वन बी, ऑप्शन नंबर टू सी, ऑप्शन नंबर थ्री डी, ऑप्शन नंबर फोर एल। नीचे दिए में से कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता रोमन न्यूमरल्स में। इस आंसर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन बी. बी इज़ द ओनली इंग्लिश अल्फाबेट विच इज़ नॉट यूज इन रोमन न्यूमेरिकल न्यूमरल्स अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी राइट एंगल्स और रेक्ट एंगल हैज़. एक रेक्टेंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं. इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन टू, ऑप्शन नंबर वन टू है, ऑप्शन नंबर टू फोर, ऑप्शन नंबर थ्री सिक्स एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ एट. मैं क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, हाउ मेनी राइट एंगल्स अ रेक्टेंगल हैज़. एक रेक्टेंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स है. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू फोर. देर आर फोर राइट एंगल्स इन ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल हैज फोर राइट एंगल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टर्म अप्लाइज टू ए स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. निश्चित दिखो में से कौन सी टर्म अप्लाई होती है जो स्ट्रेट लाइन को उस स्ट्रेट लाइन को जो ज्वाइन करते हैं कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. जो स्ट्रेट लाइन कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर के ज्वाइन करते हैं उसे किस टर्म से बुलाते हैं. डायमीटर ऑप्शन नंबर वन, डायगोनल ऑप्शन नंबर टू, रेडियस ऑप्शन नंबर थ्री, रेडियन ऑप्शन नंबर फोर. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू डायगोनल. डायगोनल इज द टर्म अप्लाइज टू ए स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स और साइड्स आर देयर इन ए सर्कल. कितने स्ट्रेट लाइन्स और साइड्स होते हैं सर्कल में. ऑप्शन नंबर वन टू, ऑप्शन नंबर वन टू, ऑप्शन नंबर टू फोर, ऑप्शन नंबर थ्री एट एंड ऑप्शन नंबर फोर नन. कितने स्ट्रेट लाइन्स और साइड्स होते हैं सर्कल में. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकंड्स. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर नन. सर्कल में किस एक भी स्ट्रेट लाइन और साइड्स नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डिग्रीज डज अ राइट एंगल हैव. राइट एंगल के पास कितनी डिग्री होती हैं. 90 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 350 डिग्री. बड़ा ही आसान सवाल है, राइट एंगल किस डिग्री का होता है. इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स है. बहुत ही सिंपल आंसर है लेकिन फिर भी 10 सेकंड आपके लिए. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स नोन एज. स्टैटिस्टिक का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं. ऑप्शन नंबर वन मॉर्फ, ऑप्शन नंबर टू ग्राफ, ऑप्शन नंबर थ्री ट्रैप, ऑप्शन नंबर फोर क्रैम्प. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकंड्स. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू ग्राफ. ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक और अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स नोन एज ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी जीरोस फॉलो वन फॉर ए गूगल. कितने जीरो फॉलो करते हैं वन को गूगल के लिए. गूगल के लिए GOOGLE. इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन 10, ऑप्शन नंबर टू 25, ऑप्शन नंबर थर्ड 50, ऑप्शन नंबर फोर 100. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकंड्स. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर 100.
100 जीरोस फॉलो वन फॉर ए गूगल, 100 जीरोस फॉलो करते हैं एक को फॉर ए गूगल के लिए, गूगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच नंबर अमॉन्ग दिस कैन नॉट बी द मल्टीप्लाइज ऑफ 8, नीचे दिए गए में से कौन सा नंबर 8 का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 80, ऑप्शन नंबर 2 180, ऑप्शन नंबर 3 280, ऑप्शन नंबर 4 480। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 180। 180 इज द नंबर अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस हु कैन नॉट बी मल्टीप्लाइज ऑफ 8, वो 8 का मल्टीप्लाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए नंबर इज स्क्वेयर्ड इट इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट, अगर किसी नंबर का स्क्वेयर किया जाए देन इट इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वो किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 3 और 4 और इटसेल्फ। अगर किसी का किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो किससे मल्टीप्लाई होता है, 2 से 3 से 4 से या इटसेल्फ खुद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इटसेल्फ। इफ ए नंबर इज स्क्वेयर्ड इट इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट, अगर उस नंबर का स्क्वेयर होता है तो वो किससे मल्टीप्लाई होता है, तो खुद से मल्टीप्लाई होता है। 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 दैट्स मीन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 दैट्स मीन 4 इंटू 4, हिंस इट इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो इसी तरह से मैथ के बेसिक थ्योरी इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले क्विज खत्म हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा हो, इसकी कोई वैल्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू वेरी मच।